हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान को 6 किलो 280 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। एक अन्य को भी उसके साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने दोनों को कुरुक्षेत्र के बिरला मंदिर के पास से पकड़ा है। यहाँ वे नशे की सप्लाई करने आए थे। स्पेशल टास्क फोर्स के डीएसपी कुलभूषण ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों नशा तस्कर ट्रेन से अफीम की सप्लाई करने कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। यदि नाकाबंदी की जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ ने अपनी टीम गठित की और कुरुक्षेत्र के बिरला मंदिर पर तैनात कर दी। मुखबिर ने आरोपियों को दिखा दिया। एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ हुई तो पता चला कि उनमें से एक उमेदा राम सीआरपीएफ का जवान है जो राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है और मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ में ड्यूटी कर रहा है। दूसरी पहचान मध्य प्रदेश के मुकेश कुमार के रूप में हुई है। दोनों के पास से 6 किलो 280 ग्राम अफीम मिली। पूछताछ में बताया गया कि दोनों कुरुक्षेत्र अम्बाला चंडीगढ़ में ट्रेन से नशे की सप्लाई करने आते थे। उमेदा राम ने बताया कि जब भी पुलिस उसकी जांच करती थी तो वह सीआरपीएफ का आई कार्ड दिखाकर बच निकलता था। इससे पुलिस उसकी जांच नहीं करती थी। इस तरह से नशा तस्करी कर रहा था। उसने मुकेश की कटिंग भी सीआरपीएफ की तरह करवा दी थी ताकि दोनों पर किसी का शक ना हो। ये तो उसका मुकेश का सहारा, मुकेश का सहारा बनता था। किसी को बता दो, मैं उसको कर देता हूँ, बाकी सभी को फिर आप आपस में कर देना। हाँ, फोन में है मेरे, लेकिन थोड़ा सा जब बैठा के धीरे से करेंगे शायद और कहीं निकल भी आए, लेकिन अभी प्रारंभिक पूछताछ में यही बातें सामने आई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बीकानेर का रहने वाला है उमेदवारम। आज का मामला ये था, कुरुक्षेत्रा के अंदर हमारी टीम एसटीएफ की मौजूद थी। वहाँ पर मेरी टीम को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, दो आदमी हैं, मुकेश कुमार एक उमेदवाराम, भी जो काफ़ी पिछले समय से यहाँ पर नशीले पदार्थों की तस्करी का काम कर रहे हैं और आज भी बाई ट्रेन यहाँ पर आए हुए हैं। अगर नाकाबंदी ठीक से की जाए तो वो पकड़ में आज आ सकते हैं। तो बिरला मंदिर चौक पर नाकाबंदी की गई, मुखबर हमारे साथ था। जैसे ही आई मुखबर ने बताया भी ये वो आदमी हैं और हमने इनको कैच कर लिया। जब इनके बारे में पूछा गया तो एक ने अपना नाम मुकेश कुमार बताया जो एमपी से रहने वाला था, दूसरे इसमें उमेदवाराम था जो कि बीकानेर का रहने वाला था। जब उससे पूछताछ की कि वो सीआरपीएफ में 2006 से जॉब कर रहा है और नीमच में उसकी पोस्टिंग है, तो और जब आगे उनसे पूछताछ की, अक्सर वो मुकेश के साथ ये सामान लेकर कुरुक्षेत्रा में, अम्बाड़ा में और चंडीगढ़ जाता था। उसका ये कहना था भी मेरे पास आई कार्ड होने की वजह से मुझे कोई चेक नहीं करता था। और सेम मुकेश को भी उसने अपनी तरह जैसे एक भी फोर्स का जवान हो उसकी कटिंग उस तरीके से करवा रखी थी, तो ये दोनों बैग लेके जब भी चलते थे कहीं भी कोई चेकिंग या मिलती थी तो वो अपना आई कार्ड दिखाते जिसको फ़ायदा उठाता था और वो बच निकल आ जाता था। आज सर क्या नशा इनसे बरामद किया, कितनी क्वांटिटी? आज इनसे जब इनकी सर्च की गई तो इनके बैग से 6 किलो 280 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जो कि ये वहाँ से कोई करीब 1.5 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से लेकर वहाँ से आए थे। मार्केट में कितनी वैल्यू होगी सर इसकी? मार्केट में तो इसको डबल वैल्यू करके बेचते हैं, डबल लगा लियो उस पर। शुरुआती जांच में बताया सर इन्होंने कहाँ से खरीदते थे? हाँ, नीमच से लेके आते हैं, वहाँ का नाम भी बताया है जिससे लेके आए वो भी बताया है, उसको भी हम राउंड अप करेंगे उसको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.